हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल वेल्थ विद आरवी। मल्टीबैगल स्टॉक सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है और डेफिनेटली हम एक और वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं जिसमें हम लोग मल्टीबैगल स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो पास्ट मल्टीबैगल रहे हैं और डेफिनेटली आगे भी पोटेंशियल दिखा सकते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को सलाह दूंगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टली इस स्टॉक पे। कंपनी का नाम है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। डेफिनेटली 30,908 करोड़ का मार्केट कैप है। पी बारे में बात करें तो 46.5 के पी पे ट्रेड हो रहा है, वहीं इंडस्ट्री का पी 34.5 है। तो इंडस्ट्री के पी से थोड़ा ही आसपास है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डबल महंगा है या फिर ट्रिपल हो गया इंडस्ट्री के पी से, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बुल मार्केट चल रहा है तो डेफिनेटली इस तरह से हम लोगों को कंसिडर करना चाहिए। जहाँ तक इसके सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो सेल्स ग्रोथ इसका 19% का है। 46 के पी पे 20% का सेल्स ग्रोथ रीजनेबल लगता है। वहीं हम लोगों को ROCE 48% का ऑफर कर रही है कंपनी, ROE 42% का है और रिटर्न ऑन एसेट के बारे में बात करें तो वो भी 21% है। तो वो जो तीन पैरामीटर हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश जो हम लोग देखते हैं किसी भी स्टॉक में कि एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट 15% से ऊपर हो, तो यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश ROCE ROE और ROA डेफिनेटली यहाँ पे 20% से ऊपर है और ROE और ROCE तो 40% से ऊपर है। तो ये सब डेफिनेटली बताता है कि कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। वहीं डेट के बारे में बात करें तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.15 है। कंपनी के पास डेट 259 CR है और वहीं पर कैश इक्विवेलेंट 268 CR है। तो यहाँ पर नेट डेट फ्री कंपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी का फ्री कैश फ्लो 680 करोड़ का है जो कि कंपनी के आगे बढ़ने में डेफिनेटली हेल्प करने वाला है यहाँ पे। और बुक वैल्यू के बारे में बात करें तो वो भी 3.79 है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 1.14, तो 1% का हेल्दी डिविडेंड भी कंपनी यहाँ पे दे रहा है। 1% का डिविडेंड मिल रहा है, 42% का ROE है, 48% का ROCE, 20% का सेल्स ग्रोथ है। ये सब चीज हम लोगों को बताता है कि कंपनी का फंडामेंटल कहीं से कोई दो राय इसमें नहीं है, कंपनी का फंडामेंटल एंड गुड है एज ऑन डेट। कंपनी के बारे में बात करें तो डेफिनेटली ये मार्केट लीडर है इन इंडियन वायरिंग हार्डनेस इंडस्ट्री, तो इस तरह से हम लोगों को कंसीडर करना चाहिए। अगर इसके प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो MSWIL derives its revenue of a single product line wiring हार्डनेस, तो वायरिंग हार्डनेस से इसका जो है सारा बिजनेस सारा रेवेन्यू यहाँ पे आता है। वो चीज़ हम लोगों को बैक ऑफ द माइंड कंसीडर करना चाहिए और जिसमें मार्केट शेयर इसका 40% है। रेवेन्यू के बारे में बात करें तो कहाँ कहाँ से रेवेन्यू कितना कितना आता है, तो पैसेंजर व्हीकल से इसका 58% का रेवेन्यू आता है, वहीं कॉमर्शियल व्हीकल से 12%, टू व्हीलर व्हीकल से 14% और ऑफ रोड एग्रीकल्चर एंड फार्म इक्विपमेंट से 10%, अदर से 6% का आता है। मोटा मोटी पैसेंजर व्हीकल से इसका 60% के आसपास का इसका रेवेन्यू कब होता है। अगर कैपेक्स के बारे में बात करें तो कंपनी 200 करोड़ का कैपेक्स यहां पे अनाउंस ऑलरेडी कर चुका है इन फाइनेंशियल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25, तो डेफिनेटली वो चीज हम लोगों को कंसीडर करना चाहिए, जो कि 70% विल बी फॉर द एक्सपेंशन होगा और 30% जो है वो प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के लिए यहां पे किया जाएगा। तो 70% जो यहां पे एक्सपेंशन का प्लान इनका है, तो डेफिनेटली ये मार्केट का जो है वो अपना और आगे और ज्यादा कैप्चर करने के मूड में यहां पे दिख रहे हैं। तो ये सब चीज हम लोगों को बैक ऑफ द माइंड रखना चाहिए। और मदरसन सुमी वायरिंग के बारे में बात करें तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को भी अट्रैक्ट करता है, तो उस तरह से हम लोगों को इसको देखना बनता है। और इसके बारे में क्लाइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर 23 में MSWIL इज सप्लाइंग 10 आउट ऑफ 12 टॉप सेलिंग पैसेंजर व्हीकल मॉडल इन इंडिया। तो 10 में 12 में से 10 जो है उनके क्लाइंट डेफिनेटली यहाँ पे ऑलरेडी है। इट इज़ ऑल्सो सप्लाइंग 2 out of 3 top 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल PV OEMs इन इंडिया। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात करें तो यहाँ पे टू व्हीलर के बारे में बात करें या फिर फोर व्हीलर के बारे में बात करें, 3 में से 2 कंपनी जो है वो मदरसन सुमी वायर से अपना बिजनेस करने में डेफिनेटली यहाँ पे इंटरेस्टेड है। टॉप 10 कस्टमर कंट्रीब्यूट 7 to 80% ऑफ द रेवेन्यू। यहाँ पे एक ड्रॉबैक्स के बारे में बात करें तो टॉप 10 जो इनके कस्टमर हैं वहीं से सिर्फ 70-80% का रेवेन्यू आता है, तो वहाँ पे थोड़ा से ज्यादा हलचल होने से इनका रेवेन्यू ब्रेकअप थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। ये कंपनी का ब्रेक डिसएडवांटेज है, ऐसा हम लोग इसको बोल सकते हैं। आशियत बात ये है कि इनके माता पिता के बारे में बात करें डेफिनेटली कंपनी के, तो मदरसन सुमी
एक वेल नॉन कंपनी है, तो उसमें कहीं से दो राय नहीं है। और सुमीटो वायरिंग सिस्टम SWS, वो भी डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत पुराना कंपनी है, तो यहाँ पे उस कंपनी से डिराइव होकर ये कंपनी डेफिनेटली यहाँ पे निकला है, जिसमें 33.4% जो है वो मदनसन इंटरनेशनल लिमिटेड का है। और वहीं सुमीटो वायरिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो उनका स्टेक 25.1% का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है, यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग डेफिनेटली इसको बोल सकते हैं, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंटिन्यू रेवेन्यू इसका 2021 से अभी तक इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही दिख रहा है। वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो 12% से 14% का इनका कांस्टेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसको कैरी ऑन कर रहे हैं। वहीं कंपनी के EPS के बारे में बात करें तो EPS भी ग्रोइंग स्टेज में है, और पिछले जब से यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीनर में, तब से किसी में EPS जो है वो निगेटिव नहीं हुआ है, पहली बात। और दूसरा बात कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। डिविडेंड पे आउट के बारे में बात करें तो डेफिनेटली 1% से ज़्यादा डिविडेंड पे आउट है, जो कि एक अच्छे कंपनी के अच्छे मैनेजमेंट को दर्शाता है। कैश फ्लो के बारे में बात करें तो ऑपरेटिंग फ्रॉम कैश फ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो इनका मूल धंधा है, उससे वहाँ पे कैश कंपनी के पास जनरेट हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जो कि आप लोगों को सामने यहाँ पे दिख रहा था। फ्री कैश फ्लो 680 करोड़ का है, ये कंपनी के लिए एक वन स्टेप अहेड एडवांटेज है। कंपनी के होल्डिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर के पास 61.73% का प्रमोटर होल्डिंग है। डेफिनेटली यहाँ पे समर्थन मदरसन इंटरनेशनल के पास 33% है, और सुमीटो वायरिंग सिस्टम के पास डेफिनेटली 25% है, और रेस्ट टोटल मिला के 61.73% का प्रमोटर होल्डिंग है। वहीं FII के बारे में बात करें तो 10.78% का FII होल्डिंग है, और DIS होल्डिंग के बारे में बात करें तो वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है 16.23% का, और पब्लिक के पास सिर्फ 11% का है, जिसमें 1% से ज्यादा कोई शेयर होल्डर नहीं है। तो डेफिनेटली 11% 10% का माल जो है वो फ्री फ्लोट शेयर है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, जो मार्केट में डेली ट्रेड हो रहा है। और वहीं 90% ऑफ द माल जो है वो डेफिनेटली वो एक स्ट्रॉन्ग हैंड में है, तो उस तरह से हम लोगों को देखना चाहिए। जब स्टॉक स्ट्रॉन्ग हैंड्स में होता है, FII, DII या प्रमोटर के पास होता है, तो वहां पे तुरंत आके सेल ऑफ करने वाली चांसेस बहुत ज्यादा कम होती है। और पब्लिक के पास चूंकि ज्यादा माल नहीं है, तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन में एक हेल्प मिलता है, जहाँ पे पब्लिक होल्डिंग कम होती है, तो उस तरह से हम लोगों को देखना चाहिए। तो डेफिनेटली हम लोग आज मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया को कवर किए हैं, जहाँ पे डेफिनेटली एक बार फिर से मैं बोलना चाहूंगा ROCE, ROE और ROA, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इसका 20% से ऊपर है। वहीं पर ब्रह्मा और विष्णु जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे 48% और 42% है, तो इस तरह से हम लोगों को देखना चाहिए इस चीज को। और ये फ्यूचर मल्टीबैगर ऐसा लग रहा है, लेकिन आप लोगों को फिर से रिक्वेस्ट करूंगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के लिए फिर से एक मल्टीबैगर शेयर लाने की कोशिश करूंगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।